तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ ग्रेडियंट कलर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि पिक्सल में ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन है, जो कि बहुत लोगों को यूज करना नहीं आता है। तो मैं आपको उसी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे आप उसको यूज़ करोगे, कैसे क्या करना होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो बने रहे, वीडियो को देख रहे, चलिए फटाफट टाइम नहीं लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे जो लिखा गया है पहले, चलिए उसमें मैं एक ही ऑप्शन में जाता हूँ। जाने के बाद इधर से मैं इसमें थोड़ा कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ। इधर मैं जाऊँगा फॉन्ट के ऑप्शन में, जाने के बाद इधर से मैं जाता हूँ माई फॉन्ट में। उसके बाद इधर चलिए मैं कोई एक इंग्लिश का फॉन्ट डाल देता हूँ, ताकि जो काम करूँगा मैं आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो इधर मैंने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके कर देता हूँ। कुछ इस तरह का मेरा टेक्स्ट है। तो जैसे मान लीजिए इधर मैंने कुछ लिख लिया। अभी दोस्तों आपको इधर पे जो कलर का ऑप्शन मिलता है आपको देखने को, तो आपको उस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर भी देखते हो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ग्रेडियंट का, तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको इधर पे कुछ जो ग्रेडियंट कलर देखने को मिल जाते हैं पहले से जो दिए रहते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा में ऐड करना है, बनाना है अलग अलग कलर का, तो आप कैसे करोगे वही दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इधर पे आपको प्लस का एक आइकन देखने को मिलता है, आपको उस आइकन पर जो क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आप इधर पर देख रहे हो, इधर पर ये जो साइड में इधर पर इतना सारा ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कि आपको जो कलर का एंगल किस एंगल में चाहिए, तो आपको उस एंगल में सिलेक्ट करना है। कुछ इस तरीके देख सकते हो, मैंने पहले वाले ऑप्शन पे जो क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का, दूसरे वाले पे क्लिक कुछ इस तरीके हो गया, तीसरे वाले पे क्लिक किया कुछ इस तरीके, चौथे वाले पे क्लिक किया कुछ इस तरीके हो गया है, पाँचवें वाले पे क्लिक किया कुछ इस तरीके, छठवें वाले पे क्लिक किया कुछ इस तरीके से हो गया दोस्तों, देख सकते हो। और इधर पर कुछ अपने हिसाब से जो आप एंगल चेंज भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, जैसा आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। उसका दोस्तों इस साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, प्लस का जो आइकन, अगर आप इसमें जो दो कलर आपको दिखाई दे रहा है इधर पे, तो अगर आप चाहते हो इसमें और एक्स्ट्रा कलर ऐड करना, तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। देख सकते हो एक कलर ऐड हो चुका है। और अभी चाहते हो इसमें से जो कुछ ज़्यादा कलर आपका ऐड हो गया है, तो आपको माइनस करना है, तो आपको इधर माइनस का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हो तो एक कलर आपका माइनस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे जो ऑप्शन मिलता है आपको, इस ऑप्शन की मदद से आप जो है ये ऑप्शन जो है आपको कलर को मतलब कि आगे पीछे कर सकता है थोड़ा बहुत, इसमें एडजस्टमेंट इसकी जरूरत उतना नहीं पड़ती है दोस्तों। और ये जो उसके नीचे ऑप्शन मिलता है आपको, मतलब दोनों मतलब कि एकदम बराबर में कलर रखना चाहिए, तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। आपको एकदम मतलब कि एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये अपने आप ही सेटअप कर लेता है जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो। उसके बाद दोस्तों आपको इधर पे जो एक और ऑप्शन मिलता है, आपको आगे पीछे करना है कौन से कलर को, यानी कि दोस्तों आपको एक वाला कलर पिक करना है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, अगर आपको ए वाला कलर पिक करना है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन है, उसके नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसमें जो भी कलर पर आप क्लिक करोगे, तो आपको उसके बाद आपको इस कलर पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपको इधर पे जो भी कलर लेना है आपको ले सकते हो। अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड का कलर या कोई और आप कलर लेना चाहते हो किसी बैकग्राउंड का, तो आपको इधर भी ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन मिलता है इधर पे आपको कोई बैकग्राउंड हो तो आप उस पर क्लिक करके कलर पिक कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास इधर तो एक भी नहीं बैकग्राउंड है, इसलिए मेरा ऐसा दिखा रहा है। और इधर पे दोस्तों आप कोई भी कलर आपको लेके आपको इधर पे जो ओके कर देना, ओके करने के बाद आपको इधर पे सेकंड वाला जो कलर का ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वापस से इस कलर पिक का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर से भी कोई एक कलर डाल सकते हो आप अपने हिसाब से, डालने के बाद आपको इधर पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इधर से भी जो है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ताकि हर एक चीज़ परफेक्ट हो जाए इधर से मेरा। और इधर पर चलिए ओके कर दे रहा हूँ अभी। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ग्रेडियंट कलर देखने मिलता है। अभी दोस्तों मेरा ये जो एक एंगल में दिखाई रहा है, और इधर पे जो पांच छह ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके का अभी देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ आपको, चलिए मैं दिखाता हूँ। तो इधर पे आप देख सकते हो अभी इस तरीके का दिखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से जो अपना ग्रेडियंट कलर को यूज करते हैं, और इधर पे आपको जितने सारे ऑप्शन दिए हैं सभी आपको ऑप्शन यूज करके आप एक अच्छे से अच्छा फॉन्ट बना सकते हो, अपने नाम का जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो दोस्तों। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।